हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। आज के टॉपिक में हम वजाइनल ड्राइनेस का जो ट्रीटमेंट रहता है ना, उसको लेके थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, एक चीज एकदम इम्पॉर्टेंट है, वजाइनल ड्राइनेस से दो चीज होता है। एक रहता है इचिंग, ओके, एंड सेकेंड यू आर गोइंग टू हैव डिफिकल्टी इन हैविंग सेक्स। ओके, सेक्स करने के टाइम पे जब वजाइना ड्राई रहता है तब बहुत तकलीफ हो सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप वजाइना स्टडी करते हैं तो ऐसा रहता है वजाइना। वजाइना के माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में, ओके, उसका जो लाइनिंग रहता है एपिथीलियम, वो कुछ इस प्रकार रहता है। ऑलराइट, अब ये लाइनिंग के ऊपर रहते हैं हेल्दी बैक्टीरिया। ऑलराइट, इसके अंदर रहते हैं थोड़े से ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब वो जगह जहां से फ्लूइड सिक्रीट होता है। फ्लूइड मतलब जो वजाइना को मॉइस्ट रखता है, मॉइस्ट मतलब वेट, वजाइना को वेट रखता है। ऑलराइट, ये रहता है नॉर्मल वजाइना, ठीक है, इस प्रकार। इसीलिए ये जो फ्लूइड सिक्रीशन रहता है जब सेक्स करते हैं तब ये पूरे वजाइना को लाइन करके वेट हो जाता है। इसीलिए जब पीनिस अंदर आता है, जब मेल पार्टनर का पीनिस अंदर आता है तो पीनिस को इरिटेशन नहीं होता है अंदर डालने के टाइम पे। इसीलिए वेट वजाइना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। राइट, ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसमें मदद करता है बॉडी का एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ओके, ये ध्यान रखना, ये सब अभी एक मिनट में आपको एकदम फ्लैश की तरह काम में आने वाला है। अब स्टडी करते हैं वजाइनल ड्राइनेस। जब वजाइना ड्राई हो जाता है, ड्राई वजाइना के सिचुएशन में अगर मैं वजाइना ड्रॉ करता हूं तो वजाइना कुछ इस प्रकार रहता है, बट ये जो एपिथीलियम है वो इतना कम हो गया रहता है। क्यों? देखिए, ये नॉर्मल है, ये ऐसा है, ड्राई वजाइना में ऐसा रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेनोपॉज हो जाने के समय पे ईस्ट्रोजन का वैल्यू बहुत कम हो जाता है। राइट, अब ये जो ईस्ट्रोजन का वैल्यू कम हो गया है इसके वजह से एपिथीलियम ऐसा सिकुड़ जाता है, एपिथीलियम का लाइनिंग कम हो जाता है, जिसके वजह से जो फ्लूइड सिक्रीशन होना चाहिए वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम। इसीलिए जब मेल पार्टनर अंदर पीनिस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है तो सरफेस पे, मतलब अंदर डालते ही पीनिस के ऊपर स्क्रैच आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जब स्क्रैच आते हैं तब मेल पार्टनर को सेक्स करना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। सेम चीज फीमेल के लिए, अगर कोई पीनिस जोर से अंदर पुश करे तो यहां पे कट आ जाते हैं और फीमेल के लिए भी सेक्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में क्योंकि ईस्ट्रोजन का वैल्यू कम हो जाता है, इसके लिए ईस्ट्रोजन का क्रीम दिया जाता है। बट हम 100 लोग को अगर क्रीम देंगे तो 100 में से सिर्फ 30 लोग को इसका बेनिफिट होता है, इस क्रीम का। अब ऐसे सिचुएशन में रोल आता है इस वजाइना के अंदर लेजर थेरेपी का। ये वजाइना कुछ ऐसा है जो ड्राई वजाइना है। अब जब हम इस वजाइना के अंदर लेजर यूज करते हैं, ये कौन सा लेजर है भाइयों? ये है CO2 का फ्रैक्शनल लेजर, ठीक है। अब ध्यान रखिए, हाँ, ये एक प्रॉपर सर्जिकल एक्सरसाइज है, ये करने के लिए बहुत एक्सपर्टाइज लगता है। लोग आपको बताएंगे, नहीं ये तो इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे एक लेजर का प्रोब डालने का है और हम लेजर का प्रोब डालेंगे जिसके अलग अलग जगह पे ऐसे परफोरेशन है और हम मस्त मशीन चालू करके लेजर करके दे देंगे, सिंपल। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको वजाइनल ड्राइनेस में लेजर का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको मिनिमम 3 से 4 सेटिंग लेनी पड़ती है और आपको बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। इसके पहले वजाइना एग्जामिन करना पड़ता है, आपको वजाइना अंदर से एग्जामिन करना पड़ता है, आपको वजाइनल फ्लूइड का वॉश लेना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ कोई एक्सपर्ट ही करता है। इसीलिए लेजर का रिजल्ट एक्सपर्ट के हाथ में सक्सेस रेट इज मोर देन 75% व्हेन एन एक्सपर्ट डज इट, 3 से 4 सेटिंग के बाद में। 3 से 4 सेटिंग के बाद ये वजाइना कुछ इस प्रकार हो जाता है। ओके, देखिए, ये पहले जितना अच्छा नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ये पहले जितना ईस्ट्रोजन ने जो बनाया उतना अच्छा नहीं होता है, पर लेजर डालने के वजह से इस कंपैरिजन में ये वजाइना बेटर हो जाता है। इसीलिए पेशेंट को वजाइनल ड्राइनेस में मोर देन 75% पेशेंट्स को इसका बेनिफिट होता है, अगर आपने करेक्ट डायग्नोस किया है तो। फाइनली एक चीज बताता हूं, लेजर करना या ना करना ये पेशेंट का नहीं, ये डॉक्टर का डिसीजन होना चाहिए। हमने बहुत ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनमें एंडोक्राइनोलॉजी,
मतलब थायराइड का वैल्यू ज्यादा होना, प्रोलैक्टिन का वैल्यू ज्यादा होना, टेस्टोस्टेरोन का वैल्यू ज्यादा होना, ये सब चीजों के वजह से भी वजाइना ड्राई हो जाता है। अगर हम ये अच्छी तरह से इवैल्यूएट करके सिर्फ इसे भी ठीक कर दे तो आपको लेजर करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। ये ध्यान रखना, अगर वजाइनल ड्राइनेस है तो पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर अपना दिमाग लगा के आपको एग्जामिन करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे और अगर जरूर पड़ी तो लेजर का थेरेपी देंगे। पर ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं है कि लेजर किया तो गेम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके। इसीलिए मैंने आज ये डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। एनी फर्दर क्वेश्चंस आप कमेंट्स में डालिए, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वी आर अवेलेबल फॉर कंसल्टिंग इन बॉम्बे, इंदौर, अहमदाबाद एंड बैंगलोर। बॉम्बे इज अवर प्राइमरी लोकेशन। ऑल अपॉइंटमेंट नंबर्स आर मेंशनड इन द डिस्क्रिप्शन। इफ एनीवन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड दे मे कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल्स फॉर द सेम।